हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सब भी उन्हीं बच्चों में से हैं जिनके डाउट्स क्लास में क्लियर नहीं हो पाते और इस वजह से उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो फ्रेंड्स आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं नवीन सर आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोज़ लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्या, 1-to-1 हर लाइन अंडरलाइन करके NCERT के फोकस हमारा NCERT पे रहेगा, उसे रीड करवाएंगे और लास्ट में उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। एनिमेटेड वीडियोस होंगे तो बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप मैं कहने का मतलब ये नहीं कि आपके टीचर आपको नहीं पढ़ाते, बट फ्रेंड्स कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ 4-5 बच्चे ही फोकस में होते हैं, टीचर्स उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, वो स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं हिम्मत करके या फिर टीचर उन्हें बता देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट किसी हेजिटेशन की वजह से वो टीचर्स के सामने डर की वजह से अपने क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो वो पिस जाते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे घुन पिस जाता है अनाज के साथ, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक बार इन वीडियोस को ट्राई कीजिए, देखिए, ये जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, लिटरली आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये जेन्युइनली हेल्पफुल थे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि खाना किसे कहते हैं और ये कहाँ से आता है। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज इट। ये कह रहा है कि क्या आपने आज क्या खाया था घर पे, इस बात का पता लगाइए, ठीक है। आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया था, ठीक है, क्या आपने आज और कल सेम काइंड ऑफ फूड खाया था, तो इस बात का पता लगाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, आज आपने दाल रोटी खाई है, मैं ये नहीं कह रहा सभी ने, कुछ लोगों ने अगर दाल रोटी खाई है तो जाहिर सी बात है कल आपने राइस खाए होंगे, ठीक है, या राइस दाल खाया होगा, ठीक है, किसी ने फिश खाया होगा, किसी ने एग्स खाया होगा, ठीक है, आपके दोस्तों ने कुछ, अगर आप लंच में देखेंगे स्कूल में, तो आपके दोस्त कोई सैंडविच लेके आया होगा, कोई पास्ता लेके आया होगा, कोई इडली लेके आया होगा, तो कोई परांठे लेके आया होगा, है ना। तो अलग अलग चीज़ लेके आए हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स भी अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, आप भी अलग अलग खा रहे हैं, तो यहाँ से एक बात तो पता चल रही है कि हमारे फूड में वैरायटी है, है ना। वैरायटी का मतलब समझते होगे, विभिन्नता, मतलब एक जैसा नहीं है, हमारा खाना अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, फूड वैरायटी होती है। तो ये फूड वैरायटी किस प्रकार से होती है, आइए इसके लिए थोड़ी सी एक एक्टिविटी से समझते हैं इसे। ये कह रहा है कि एक्टिविटी फर्स्ट में आपको करना क्या है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, ठीक है। ये कह रहा है कि अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से ये पूछिए कि वो कौन से आइटम आज स्कूल में खाने वाले हैं, ड्यूरिंग ए डे मतलब आज के दिन, ठीक है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन यूर नोटबुक एज गिवन बिलो। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आपको एक टेबल बनानी है, आपको एक कॉपी उठानी है अपनी, एक पेन लेना है, ठीक है। कॉपी और पेन लेके स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि अपने क्लास में, अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स से पूछना है कि आज वो क्या खाने वाले हैं, ठीक है, लंच में। तो आपको करना क्या, एक साइड आपको टेबल में अपने स्टूडेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है और दूसरी तरफ उसने क्या खाया था वो लिखना है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है राम, ठीक है, उसने मान लीजिए खाया पास्ता, तो वो आप साइड में लिख देंगे। उसके बाद है श्याम, श्याम ने खाया मान लीजिए इडली, तो वो लिख देंगे। इसके बाद मान लीजिए मुकेश, मुकेश ने खाया मान लीजिए फिश, तो वो आप इस साइड लिख देंगे। तो इस तरफ से आप क्या करेंगे, आप एक डाटा कलेक्ट करेंगे जिससे आप ये देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स ने क्या क्या खाया है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स ने बहुत ही अलग अलग चीज़ खाई, मतलब बहुत ही कम ऐसे दो फ्रेंड्स हैं आपके जिन्हों का जो फूड है वो बहुत ही कॉमन था, मतलब कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो सेम काइंड ऑफ फूड लेके आए हैं, यानी कि परांठा कई बच्चे लेके आए होंगे, ठीक है, राइस कई बच्चे लेके आए, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सा डिफरेंस मिलेगा आपको कि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग फूड लेके आए होंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारे जो फूड है उसमें वैरायटी तो है, यानी कि हमारा फूड बहुत ही तरह का होता है, अलग अलग तरह का होता है। ये अलग अलग वैरायटी का पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे कारण होता है कि हमें सभी न्यूट्रिशंस मिल सके, ठीक है। न्यूट्रिशंस का मतलब वो पोषक तत्व जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और वो एक फूड में तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, वो अलग अलग फूड में होते हैं,
समझ में आ गई बात। तो इसलिए हम अलग अलग फूड खाते हैं, या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं कि किसी टेस्ट के वजह से, कि किसी को किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता हो, ठीक है, किसी को किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता हो, या फिर हैबिट भी हो सकती है। मान लीजिए किसी बच्चे की हैबिट है कि उसे लंच में राइस ही खाने हैं तो वो राइस लेके आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी की वहाँ पर उनके जगह से वो आते हैं, वहाँ पर वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड अवेलेबल हो तो इसलिए वो उधर लेके आते हो। तो बहुत से रीजन हो सकते हैं फूड वैरायटी के पीछे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास फूड वैरायटी अवेलेबल है, मतलब बहुत तरह के फूड अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं देयर सिम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। ये कह रहा है कि आप देखेंगे कि हमारे फूड में जो हम खाते हैं बहुत सी वैरायटी होती है। तो फूड वैरायटी का तो हमें पता चल गया कि वी इनटेक या वी ईट ए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स अकॉर्डिंग टू आवर हैबिट, टेस्ट एंड लाइफस्टाइल, है ना, लाइफस्टाइल के अनुसार या टेस्ट के अनुसार या हैबिट के अनुसार हम खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से उठता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर दिज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ठीक है, ये फूड आइटम्स किसके बने होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि हम क्वेश्चंस को साथ साथ क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये फूड आइटम्स बने किसके होते हैं, ठीक है, कि ये फूड आइटम्स जो हम खाते हैं ये किसी न किसी चीज़ के तो बने होते होंगे। तो चलिए इसका आंसर का पता लगाते हैं। ये कहते हैं थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। ये कह रहे हैं कि आपके घर पर जो राइस बनती है, आपने देखा होगा ध्यान से, जब मम्मा राइस बनाती है आपके घर पर तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए, ठीक है, ऑब्जर्व करिए कि वो क्या क्या चीज़ें यूज में लेती हैं। तो क्या कहते हैं, वी टेक रॉ राइस, यानी कि रॉ राइस का मतलब कच्चे राइस, हम कच्चे राइस लेते हैं एंड बॉइल इट इन वाटर, और उसे वाटर में बॉइल करते हैं, ठीक है। तो जस्ट टू मटेरियल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ वर्ल्ड, सो दीज आर कॉल्ड इन्ग्रीडियंट्स, ठीक है। यानी कि हमें फूड मतलब कि राइस हमने फूड लिया, ठीक है, उस फूड को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ी, किस किस की, वाटर की और किसकी, रो राइस की, ठीक है। जरूरी नहीं कि दो चीज़ों की जरूरत पड़े, कई कई बार हमें ज़्यादा की पड़ती है। जैसे कि कहते हैं ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, कि कुछ टाइम कुछ फूड आइटम्स बहुत ही इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, कई इंग्रेडिएंट, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सब्जी बनानी वेजिटेबल है तो उसके लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, सॉल्ट चाहिए होता है, स्पाइसी चाहिए होते हैं एंड ऑयल चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई फूड, कोई स्पेसिफिक डिश तैयार करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं, जो मटेरियल चाहिए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इन्ग्रीडियंट्स कहलाते हैं, मतलब उनकी हेल्प से ही हम फूड तैयार कर सकते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ से आंसर आ गया कि व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। ये कह रहे हैं हम कह सकते हैं कि आवर फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ एंड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स का भी आंसर ये दे सकते हैं कि हमें द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश, है ना, कि किसी भी एक डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो क्या कहलाता है, इंग्रेडिएंट्स कहलाता है। तो यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, तो आंसर हो गया कि द मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, आगे एक और एक्टिविटी दी गई, इसमें क्या करना आपको, चूज सम आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस डिश बाय डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स एट होम। आपको करना क्या है कि आपने जो आइटम्स की एक लिस्ट बनाई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पे देखिए ये बनाई थी ना कि आपने अपने फ्रेंड्स के से डाटा कलेक्ट किया था कि वो क्या क्या खाते हैं, तो उनमें से आपको कुछ आइटम्स चूज करने हैं और उनकी एक और लिस्ट तैयार करनी है। और इस बार आपको क्या करना है, मान लीजिए रोटी है या इडली है या पास्ता है, उनकी आप क्या करेंगे, एक इस तरफ आइटम लिखेंगे और इस तरफ उनके इन्ग्रीडियंट्स लिखेंगे। और इन्ग्रीडियंट्स मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा क्या होते हैं, ठीक है, इन्ग्रीडियंट्स मतलब जिससे वो बने हैं, ठीक है। अब आप इसमें अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं या अपने एल्डर्स घर पे अपने मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए रोटी है या चपाती कह लीजिए, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, आटे की और वाटर की, है ना। इसी तरह दाल है तो दाल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पल्सिस का मतलब समझते हो फ्रेंड्स, कच्ची दालें, ठीक है, वाटर, ठीक है, इसके बाद सॉल्ट, ऑयल या घी वगैरह और स्पाइसेस, ये जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। इसी तरह हम आगे कह सकते हैं कि कोई और चीज़, मान लीजिए राइस बनाया था हमने, राइस में हमें क्या चाहिए था, रो राइस, कच्चे राइस और वाटर। तो इस तरह से हम एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, क्या, वो ये है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो लगभग हर डिश के लिए कॉमन होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल वाटर हमारा रोटी बनाने में भी यूज होता है, हमारा दाल बनाने में भी यूज होता है, हमारा चावल बनाने में भी यूज होता है, हमारा बाकी जो सब्जी है वो बनाने में भी यूज होता है। उसे क्वांटिटी डिफर कर सकती है, किसी में ज़्यादा चाहिए होगा तो किसी में कम चाहिए होगा, बट बहुत सी डिश ऐसी होती है जिनमें ये कॉमन होते हैं। इसी तरह हमारे जो स्पाइसेस हैं, साल्ट है, ठीक है, ये बहुत सी सब्जियां हम बनाते हैं उनमें कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी हमारे कॉमन होते हैं ना। देखिए आगे ये यही बताने की कोशिश की इसने क्या कहा है फ्रेंड्स, ये कहा है कि व्हाट डू वी फाइंड, कि हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या मिला हमें इस डाटा कलेक्ट करने से। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या आपको कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स मिले, बिल्कुल मिले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत से इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। तो फ्रेंड्स अब तक हमने फूड वैरायटी भी पढ़ लिया, ठीक है, फूड किससे बनते वो भी पढ़ लिया, इंग्रेडिएंट्स का पता चला, अब इंग्रेडिएंट्स की भी हमें जानकारी होगी कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और कई कई डिशेज में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, कई डिश में कम की जरूरत होती है। तो इसी तरह इंग्रेडिएंट्स हमारे कॉमन भी हो सकते हैं। अब बात आती है इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से, यानी कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ दाल बनाने के लिए हमें पल्स की जरूरत पड़ी है तो ये पल्सेज कहाँ से आए, ठीक है, रोटी बनाने के लिए आटे की जरूरत पड़ी तो आटे कहाँ से आया, ठीक है, राइस बनाने के लिए हमें राइस कच्चे राइस की जरूरत पड़ी तो वो राइस कहाँ से आया, तो ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से हैं, इनके सोर्स क्या हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड, वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, या हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि हमारा वो फूड है उसका सोर्स क्या, कैसे फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई सोर्स है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से हमें मिलता है इंग्रेडिएंट्स, फिर इंग्रेडिएंट से बनता है फूड, तो मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूँ कि फूड का सोर्स हो गया, ठीक है, यानी कि फूड का सोर्स इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट का सोर्स ये है, तो डायरेक्टली फूड भी तो इसका सोर्स हुआ। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि फूड के सोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि फूड कहाँ से मिलता है। तो ये कहते हैं फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये कह रहा है इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंसेज वेयर डू दे कम फ्रॉम। ये कहते हैं कि हमने जो लिस्ट बनाई थी उनमें से हम बहुत से इंग्रेडिएंट्स, बहुत से फूड के इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट तो इजीली बना सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, गैस कर सकते हैं ये कहाँ से आते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ये कहाँ से आते हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं, कोई शक ही नहीं इसमें, है ना। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस ऑफ व्हीट, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं, आपने खेतों में देखा होगा कि इस तरह की यहाँ पे दिखाया गया है लंबी लंबी लाइनें होती हैं छोटे छोटे पौधों की जहाँ से हमें व्हीट, गेहूँ या फिर राइस मिल सकते हैं, ठीक है। विच गिव अस दिस ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब कच्चे अनाज, ठीक है। इसी तरह कह रहा है कि एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स। इसी तरह कहते हैं कि प्लांट से तो हमें मिलते ही हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे भी आइटम हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, एग्स हमें एनिमल से मिलते हैं, मीट हमें एनिमल से मिलता है, चिकन एनिमल से मिलता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं या फूड जो होता है उसके दो ही सोर्स होते हैं, एक तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम कलेक्ट करते हैं हम आगे लेसन को बढ़ाकर, ठीक है। ये क्या कहा गया इसमें, एक्टिविटी 3, ठीक है फ्रेंड्स, एक्टिविटी 3 में क्या कहा गया है, एक्टिविटी 3 में कहा गया है कि लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड एयर एंड ट्राई फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम एंड द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्स। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, देखो पहले हमने फूड आइटम्स का डाटा कलेक्ट किया था अपने फ्रेंड्स के जरिए, फिर उनके इंग्रेडिएंट्स का डाटा कलेक्ट किया, अब हमें उनके सोर्स का करना है। जैसे कि मान लीजिए इडली है, इडली में राइस पड़ता है, ठीक है, उड़द की दाल डलती है, ठीक है, सॉल्ट डलता है और वाटर डलता है, तो अब इसका हम सोर्स का पता लगाएं तो राइस कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट से, ठीक है, उड़द की दाल भी प्लांट से, सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, हमें वाटर से मिलता है, सी वाटर से, इसे वाटर के बहुत से सोर्स हो सकते हैं। इसी तरह चिकन करी में हमें चिकन कहाँ से मिलता है, एनिमल से, ऑयल हमें प्लांट से या घी एनिमल से, ठीक है, स्पाइसेज हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह से हमें एक डाटा कलेक्ट करना है जिसमें हमें फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स और सोर्स का पता लगाना है, ठीक है। अगर आप ये काम करेंगे, ये डाटा कलेक्ट करेंगे, तो आपको क्या क्या नॉलेज मिलेगी, यहाँ से क्या क्या डिटेल्ड आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। ये कहता है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, एक्टिविटी से 3 से आप क्या कंक्लूड करेंगे, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एनिमल्स प्रोवाइडेड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, काउस, गोट्स एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, है ना। ये कहता है कि हमें ये पता चल जाएगा कि प्लांट्स के सोर्स क्या होते हैं,
कुछ इंग्रीडियंट लाइक ग्रेन्स मीन्स अनाज, सीरियल्स मीन्स भी कच्चे अनाज, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ये हो गए हमें, ये कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। इसी तरह हमें एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क, मीट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर एग्स, काउस, गोट, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, एनिमल से मिलता है। इसके बाद कहता है कि कॉमन एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, ठीक है, कि काउस, गोट, बुफेलो, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, ठीक है, मिल्क देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट भी, क्योंकि मिल्क मिलेगा तभी मिल्क प्रोडक्ट मिलेगा, बढ़िया बढ़िया बटर, ठीक है, क्रीम चीज, ये सब कर्ड में मिल्क से मिलती है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि प्लांट्स सोर्स के नाम, ठीक है, और एनिमल सोर्स के नाम, और उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ एग्जाम्पल मिल्क प्रोवाइडेड एनिमल्स के भी दे सकते हैं, जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, हमने पढ़ी फूड वैरायटी, ठीक है, हमने पढ़ा फूड इंग्रेडिएंट्स, हमने पढ़ा फूड सोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सब कुछ क्लियर कर लिया। अब हमें पता चल गया कि हमें फूड मिलता है तो प्लांट से या एनिमल से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एनिमल और प्लांट से भी हमें मिलता तो, लेकिन कौन सा पार्ट से उसे कर सकते हैं, प्राप्त गेन कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लांट्स है, तो इस प्लांट्स का हमें फ्लावर चाहिए, ये खाने के लिए स्टेम चाहिए, या हमें लीफ चाहिए, रूट चाहिए, बर्ड चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अभी कर लेते हैं इस वीडियो के, इस लेक्चर के यहाँ तक के कुछ क्वेश्चंस वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, हमने जो अब लेसन रीड किया है उसमें से फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो ये है 6 क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट इज फूड, यानी कि खाना क्या होता है। सेकंड, फूड वैरायटी, कि फूड वैरायटी क्या होती है, ठीक है। थर्ड, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कि इंग्रेडिएंट्स किन्हें कहते हैं। फोर्थ है सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और फाइव है गिव 5 एग्जांपल ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। एंड सिक्स है राइट द नेम ऑफ 5 एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, व्हाट इज फूड, फूड क्या होता है, यानी कि खाना किसे कहते हैं। तो एवरीथिंग दैट वी ईट टू गेन न्यूट्रिशन इज नोन एज फूड। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, कोई भी वो चीज़, एवरीथिंग दैट वी ईट टू गेन न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन के लिए हम खाते हैं, वो फूड कहलाती है। वो पास्ता भी हो सकता है, इडली भी हो सकती है, सांभर भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, फूड वैरायटी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि फूड वैरायटी का मीनिंग क्या है। मीनिंग है कि डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू दियर हैबिट, लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। यानी कि डिफरेंट पीपल मतलब कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। क्यों, अकॉर्डिंग टू दियर हैबिट, उनकी एक हैबिट भी हो सकती है कोई स्पेसिफिक खाना खाने की, ठीक है। उनका लाइफस्टाइल भी इस तरह का हो सकता है कि उन्हें वही खाना पसंद हो, ठीक है। टेस्ट भी हो सकता है कि उन्हें टेस्ट अच्छा लगता हो तो उस टेस्ट के लिए वो खाते हो, या फिर अवेलेबिलिटी भी हो सकती है कि वो स्पेसिफिक फूड आइटम्स ही उन वहाँ पर अवेलेबल हो, है ना। तो ये फूड वैरायटी होती है कि डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, कि वो मटेरियल्स जिनकी हमें नीड होती है किसी डिश को प्रिपेयर करने में, वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, रो राइस एंड वाटर इज नीडेड टू प्रिपेयर ए टेस्टी डिश। जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक पिक्चर, जिसमें दिखाया है कि रो राइस और वाटर की हमें नीड होती है एक टेस्टी या राइस की डिश तैयार करने में, जो कि राइट साइड में बनकर तैयार है। तो ये होता है हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, व्हाट आर सोर्स ऑफ फूड, यानी कि फूड के सोर्स क्या होते हैं, फूड हमें कहाँ से मिलता है। तो नॉर्मली वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो आंसर है कि नॉर्मली हमें प्लांट्स से या एनिमल से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फूड प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट्स। उसी तरह चिकन हो गया, मीट हो गया, बीफ हो गया, मिल्क हो गया, एंड बाकी के जो मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट मतलब बटर, घी, एग्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। पिक्चर्स पे भी आपको अलग अलग शो करके दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स से आपको फूड के 5 एग्जाम्पल देने हैं। तो लेफ्ट साइड में प्लांट्स से हैं, बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो, एप्पल, स्पिनच, मीनिंग आपको पता होगा, है ना। एनिमल्स के राइट साइड में चिकन, मीट, बीफ, मिल्क, बटर एट्सेट्रा। तो ये 5 एग्जांपल्स, इससे और भी ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड्स, वो है राइट द नेम ऑफ 5 एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, कि हमें वैसे 5 एनिमल्स के नाम बताइए जो मिल्क देते हैं, मिल्क जिनसे हमें मिलता है, यानी कि दूध।
तो फ्रेंड्स बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बट जो फाइव हैं वो हैं बुफेलो, काउ, गोट, शिप, कैमल। ये मेन फाइव एनिमल्स हैं।